नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कोयम्पो यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के पाठ्यक्रम को। अब तक जो हो चुका है वो पाठ्यक्रम के अलावा आपको ये भी रखा गया है या ये भी आता है। यह है आज का जो पाठ्यक्रम, कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। आज का यह सेशन है 56th सेशन है। आज के इस 56वें सत्र में हम देखेंगे एक प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद को हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह 10 अंक का प्रश्न होता है। निम्नलिखित परिच्छेद को हिंदी में अनुवाद कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है और इसका अंक होता है 10। ठीक है, अब हम एक प्रश्न देखेंगे जो दिया जाता है हिंदी, कन्नड़ या अंग्रेजी में। वो है, कन्नड़ में ऐसा है, मारुकट्टेयो ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವವರು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಮಯದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟರ ದಿಯಾಜಾತಾ ಹೈ ಕೈಸೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವವರು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂತೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಮಯದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ ಇಸ್ಕಾ ಅಗ್ಲಾ ಭಾಗ ಹೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಬಂಗಾರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಐಸೆ ಕನ್ನಡ ಮೇ ದಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಅಬ್ ಇಸೆ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಕೈಸೆ ದಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ದೇಖೆಂಗೆ. ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಐಸಾ ಹೈ ಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ಬೈ ಅಂಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ಲೈಕ್. ಕೈಸೆ ಹೈ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಅಂಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇ ಲೈಕ್. ವೀಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ವೇರ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ಬಾರ್ಟರ್. ಕೈಸೆ ಹೈ, ವೀಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ held in villages where commodities are sold on barter. ऐसे दिया जाता है. फिर अगला भाग है, standard cloths produced by a well-known mill at Ahmedabad has country-wide market. Gold or silver can be bought and sold all over the world. But
vegetables and fruits cannot command such a wide market. They can cater only to the needs of the people of a town or a village. ऐसे अंग्रेजी में दिया जाता है। इस तरह के परिच्छेद को हम क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो हिंदी में अनुवाद करने से पहले हम क्या करना है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है, पढ़कर समझना है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते अच्छी तरह से समझ लेना है, उसके बाद में एक एक वाक्य करके अनुवाद करते जाना है। अब इसे हिंदी में कैसे अनुवाद कर सकते हैं देखेंगे। हिंदी में इसका अनुवाद होता है, उत्तर इस तरह होता है, हिंदी में अनुवाद, बाजार एक सार्वजनिक स्थान है या स्थल है, बाजार एक सार्वजनिक स्थान है जहां बेचने वाले और खरीदने वाले बिना रुकावट के जमा होते हैं। यहां क्या होते हैं, बेचने वाले और खरीदने वाले बिना रुकावट के जमा होते हैं और जो चाहे खरीदते हैं और बेचते हैं, जो चाहे खरीदते हैं और बेचते हैं। देहातों में सप्ताह में एक बार बाजार होता है, गांवों में देहातों में सप्ताह में एक बार बाजार होता है, वहां वस्तुओं का विनिमय होता है। वहां का व्यापार कैसे, वस्तुओं के विनिमय द्वारा होता है, वस्तुओं का विनिमय होता है। अगला भाग है, अहमदाबाद के प्रसिद्ध कारखानों में तैयार हुए कपड़ों के लिए दुनिया भर में बाजार है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध कारखाने में तैयार हुए कपड़ों के लिए दुनिया भर में बाजार है। सोना अथवा चांदी को दुनिया भर में बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, लेकिन तरकारी अथवा फलों के लिए इतना विशाल बाजार नहीं है, लेकिन तरकारी अथवा फलों के लिए इतना विशाल व्यापार या बाजार नहीं है। इन चीजों से सिर्फ एक शहर अथवा एक गांव की आवश्यकताओं को मात्र पूरे कर सकते हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसे अनुवाद कर सकते हैं। कैसे, अहमदाबाद के प्रसिद्ध कारखानों में तैयार हुए कपड़ों के लिए दुनिया भर में बाजार है, सोना अथवा चांदी को दुनिया भर में बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, लेकिन तरकारी अथवा फलों के लिए इतना विशाल बाजार नहीं है। इन चीजों से सिर्फ एक शहर अथवा एक गांव की आवश्यकताओं को मात्र पूरे कर सकते हैं। इस तरह क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। आसानी से अनुवाद कर सकते हैं हम, पहले क्या करना है, उसे पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद समझते हैं और आपको ठीक ठीक समझ में आता है कि इस वाक्य को किस तरह अनुवाद करना है, और इसमें जो कुछ कठिन शब्द आते हैं उनको पहले समझ लेना है या उनका पहले अनुवाद कर लेना है, उसके बाद वाक्य बनाते जाना है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आसान हो जाता है। नमस्कार।